आप सबको प्रणाम करता हूँ। काशी की धरती से आया हूँ और काशी के बारे में कहा गया है, जहाँ कालियों में अलंकार मिला है, जहाँ अखड़पन आधारशिला है, शिवरात्रि की ऐसी रात कहाँ है, साधुओं के ऐसे ठाट कहाँ है, मुंह में खुलता एक पान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। क्या कहने भाई, क्या कहने। अब गाली की बात हुई, अभी रोहित पढ़ के गए हैं, हमसे बोले कि भैया बहुत अच्छा पढ़े, आप हमको क्या देना चाहेंगे। हम कुछ नहीं बोले, फिर बोल रहे हैं भैया आप हमको क्या देना चाहेंगे। हमने बोला भैया अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसात्मक कार्रवाई न करते हुए मौखिक रूप से हिंसात्मक कार्रवाई करने हेतु चुने गए शब्दों का समूह जिनके उच्चारण मात्र से बहुत शांति की अनुभूति होती है। क्या भैया क्या मतलब, गाली देने का मन कर रहा है। ये शिक्षक देखिए, किसी भी परिभाषा को बनाना शिक्षक ही जानता है। गाली की भी परिभाषा पहली बार आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बढ़िया भैया। उनसे बढ़ हम ही भैया भी आई वो थे। कृष्णा को मैंने पढ़ाया भी बचपन में, जो छोटा था तभी मैं पढ़ाया था, ये नर्सरी में था या एक में था। मैं इसके पास गया, मैंने पूछा बेटा ये बताओ आठ का आधा कितना हुई। कहा चचा सीधे कटबद दूठे तीन निकली, आधे कटबद दूठे सुनना। बहुत बढ़िया, हमके बहुत खतरनाक लड़का है। हमके कुछ बदलते हैं प्रश्न तो हम पूछते हैं, कुछ अलग पूछते हैं। हमके बेटा स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। कहे चचा एक मुहे से अंदर जाला, एक मुहे से बाहर। हमके लड़का खतरनाक है, हमके बहुत खतरनाक है। हमके बेटा प्रश्न बदलते हैं फिर बदलते हैं। हमके भी बताओ विधायक जी को जानते हो, कहा नहीं। हमके गांधी जी को जानते हो, कहा नहीं। सुभाष चंद्र जी को जानते हो, कहा नहीं। हमके बेटा पढ़ते तब जानते हैं ना। तो क्या चचा ये बतावा रेखा के जाना ना, नेहा के जाना ना। अरे सबका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होला तोहर ओवर हमारे यार। क्या कहने भाई, क्या कहने। हम लिटरली हम इससे डर गए। हम क्या, हम पूछेंगे नहीं, कुछ चंदौली का है लड़का। हमने कहा लो बेटा एक प्रश्न पत्र लो और तुमको निबंध लिखना है। कहे कितने पेज का लिखना है। हमके चार पन्ने में निबंध लिखना है। कहे टॉपिक। हमके आलस। भैया दो मिनट में निबंध लिख के दे दिया, तीन पन्ना खाली, अंतिम में लिखा था यही आलस है। बहुत बढ़िया। अब आलस लिखने भी बड़ा मेहनत लगा था गुरु जी। और गजब की बात है ये पास भी हो जाता है, क्लास दसवीं में पास हो जाता है, मिठाई लेके मेरे घर आता है। और हम बड़ा आश्चर्यचकित, ये कितना नंबर पर रिजल्ट देखते हैं तो 90%। हम कहे बेटा यार तुमको पढ़ते नहीं देखे 90% पा गए। कहे चचा 2 साल पहले तो आये अलग घर है हमारे, तो है बेटवा फैल रहा तो उसे हम ना पूछ ली कि हम कहा देख ली कहा ना देख ली। क्या कहने भाई, क्या कहने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग घर भी जाके सुन। अभी अभी कल्याण जो अभी कौन सा सुनाया था, वो भी बेवफा निकली कहानी बता रहे थे ना कि इनकी लव स्टोरी टूट गई थी। कृष्णा की टूटी इसलिए नहीं थी, चक्कर दूसरा था। पहली बार जो इनकी प्रेमिका जो इनको मिली तो कहे मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा, कही ठीक है। पिताजी को छोड़ दूंगा, कही ठीक है। दारू छोड़ दूंगा, गुस्सा गई, कही जो दारू छोड़ सकता है वो हमको भी छोड़ सकता है। क्या कहने भाई, बहुत बढ़िया, इसीलिए चली गई। दूसरी के पास पहुंचे, दूसरी अपनी कुंडली लेके पंडित जी के पास भागी, दौड़ते हुए गई। जब सर पर दौड़े जा रहे थे तो पंडित जी के पास रुकी, कह रहे यार क्या लड़की हो तुम भाई, अपने पति के बारे में जानना चाहती हो, उसका भविष्य जानना चाहती हो। कह नहीं भविष्य नहीं जानना चाहते, वो तो मेरे हाथ में है, मैं उसका भूत जानना चाहते हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब शादीशुदा है मैम, विधायक जी शादीशुदा है, तो विधायक जी के बारे में हम क्या बताएं, इनकी पत्नी थी। अच्छा अच्छा, जो उपत्नी उपत्नी ना है। अच्छा ठीक है, माफी माफी हमारे आदरणीय राम रंगिया जी बैठे हुए हैं, इनकी पत्नी भैया। तो हालत यह है इनकी कि बिच्छू तक कभी दिल चट्टा बना दिया, पत्नी ने पीट कर मुझे पट्टा बना दिया, और शादी के पहले मैं भी मीठा अचार था, नींबू निचोड़ कर मुझे खट्टा बना दिया। वाह, शादी के बाद का हश्र। और हाथ बांधे था, हाथ मत बांधी, पीछे वालों से कह रहा हूँ, हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, पूछकर घर से निकलना चाहिए, और
पत्नी अगर साथ में खूंखार हो तभी आदमी को कम उछलना चाहिए, तभी आदमी को कम उछलना चाहिए। वाह वाह। और चुनाव का माहौल है, चुनाव किसी पार्टी का नाम नहीं लेना है, तभी मैं बोलता हूँ कि हिंदू सिख ईसाई कोई मुसलमान है, हिंदू सिख ईसाई कोई मुसलमान है, खून एक ख्वाब एक राष्ट्र हिंदुस्तान है, और भाजपाई कांग्रेसी याहू सफाई हर कोई अपनी पत्नी से परेशान है। वाह क्या कहने भाई, हर कोई अपनी पत्नी से परेशान। ये एक ग्लोबल समस्या है, दो ही ग्लोबल समस्या है, घर में पत्नी और बाहर जो है, जो आजकल पार्टीज जो चल रही है बहुत फेमस हो गई हैं, तो उनके बारे में नाम नहीं ले सकता। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। अब बच्चे अपने से सीख जा रहे हैं कि मोबाइल पे रिश्ता निभाना आ गया, अंधों में भी राजा एक काना आ गया, और भाई बहन खाते थे हम समोसे, ये पिज्जा और जीजा का जमाना आ गया, ये पिज्जा और जीजा का जमाना। और शिक्षा ऐसी है कि गुरु परंपरा जब तक थी भारत की पहचान, गुरु से बना विश्व गुरु भारत देश महान, और कालखंड में मैं काले ने किया अलग प्रयोग, शिक्षा ना रही और बन गई उद्योग, और उद्योगों का मूल जब स्वार्थ पूर्ति होती है, आने वाली हर पीढ़ी तब शिक्षा को धोती है। और वो कौन सी पीढ़ी है, ऊ नुक्कड़ का नंदू, ऊ दीनू दिहाड़ी, ऊ गली का गोपी, ऊ पप्पू पनवाड़ी, ऊ बाजू का बनिया, ऊ लल्लू लोहार, ऊ गधा ऊ धोबी, ऊ कल्लू कुम्हार, ऊ चाय वाला चंदू, ऊ झब्बन का झाड़ू, ऊ मल्लू का मामी, सुरेंदर का साड़ू, ऊ आदिल के अब्बा, ऊ जुम्मन का अम्मी, ऊ नई की पतोहिया जेकर नाम हो निम्मी, सब के शिक्षा कहानी के देखा, शिक्षा भी नई की पुरानी के देखा, सबके सब गदेलन के हाके पड़े हैं, और कोचिंग की दिशा में बस झांके पड़े हैं। वाह। अब बात कैसी होती है, बहुत बढ़िया। हम लोग का ठेका हुआ था, एक बार हम बनाएंगे एक बार ही बनाएंगे। बात कैसे होती है, वो गुप्ता का पोता, वो पड़वा का नाती, क्या बात है, वो गुप्ता का पोता, वो पड़वा का नाती, वो शर्मा का बेटवा जौन रहल उत्पाती, कपारे के हर कोना के नोचे, तकिया चादर बिछौना के नोचे। बचपन में सुनी होगी लोमड़ी की कहानी, उछले पड़ी थी अंगूर की दीवानी, स्वभाव के विपरीत वो फल खाने चली थी, भूल कर लक्ष्य दूसरों को रिझाने चली थी, पर असल में लोमड़ी अंगूर खाती कहाँ है, खाकर उससे खट्टा बताती कहाँ है, असफल हुए तो मंजिल खट्टी लगी है, यहाँ तो कोचिंग की सट्टी लगी है। बहुत बढ़िया भैया, निश्चित रूप से। चलो इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं, लोमड़ी की अगली पीढ़ियों का अंगूर खिलाएं, पर इस बार वो असल में है खट्टे, पर कैसे कहें, क्या सोचेंगे पड़ोसी, क्या कहेंगे ये बच्चे, लोमड़ी को अंगूर की जरूरत नहीं है, न तैरो उस नदी में जो उल्टी बही है, और स्वच्छंद पंछियों को पिंजड़े में जाने से रोको, भटक जाए तो किसी बहाने से रोको, वो खुद ब खुद सफलता को पाने लगेंगे, वो खुद ब खुद सफलता के लिए आने लगेंगे। बहुत समय हो गया वैसे, हाँ? नहीं अभी जिये यार, उना बोला थे मंचवा बदे बदे तो ले टाइम का भी हमें ध्यान रखना। एक बस एक छोटी सी रचना मैं आपके सामने रखता हूँ। पत्नी पीड़ित हम सभी हैं, पति पत्नी में कभी भी संवाद नहीं हुआ, हमेशा विवाद हुआ है। पति पत्नी में सिर्फ एक बार संवाद हुआ है, वो है रावण और मंदोदरी के बीच में, एक छोटा सा प्रकरण है। आप लोग ये न जाने कि हम वैसे सिख वाले शिक्षक हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान है, थोड़ा बहुत सुना देते हैं। दशानन बोलते हैं, पत्नी के समक्ष आते हैं और मंदोदरी प्रश्न करते हैं कि पराक्रम पौरुष परंपरा का पर्याय हो, असीम अलौकिक अंतहीन अध्याय हो, तीनों लोग तुम्हारी माया के अधीन हैं, फिर सीता के जो राम में ही लीन है, और साधु बन छल किया गए दाढ़ी केश में, क्यों नहीं पहुंचे जानकी समक्ष राम के वेश में। तब दशानन बोलते हैं हाँ, गया था एक बार मैं राम रूप धरने, ताड़ना उद्देश्य था लगो सबको तरने, और रावण का मूल कहां राम के रूप में, दिए का अस्तित्व कहां कड़ी धूप में, और राम बन कोई नारी अलग कहां दिखी, सीता हो या मंदोदरी हर कोई माँ दिखी, और राम समक्ष झुका मेरा शीश है, और रावण मायावी है तो राम मायाधीश है। क्या कहने भाई, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया।